खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इन दिनों जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर आरएसएस की विचारधारा को कोस रहे हैं। आरएसएस की विचारधारा की तुलना हिटलर से कर रहे हैं, नाजी सोच से की जा रही है। अब उसी आरएसएस की तरफ से पाकिस्तान को जवाब दिया गया है। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि जल्द ही दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा। इंद्रेश कुमार ने कहा, 1947 से पहले दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान नहीं था और मुझे विश्वास है कि एक बार फिर वो मैप पर नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि हम लाहौर में बापू की जयंती और हिंदी दिवस मना रहे होंगे। जो जन्मता है वो मरता है। पाकिस्तान जन्मा देश है, भारत आ जन्मा देश है, इसलिए भारत का अमर तत्व है। मृत्यु होने पर ही पता लगता है, इसलिए मेरा बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। 47 से पहले विश्व के मानचित्र में पाकिस्तान नाम का देश नहीं था। कुछ वर्षों के बाद दुनिया के मानचित्र पर पाकिस्तान होगा कि नहीं होगा, इस पर प्रश्न लग गया है। पर मैं आपको एक बात कहने के लिए हिम्मत कर सकता हूँ, एक 5-7 साल बाद बापू की जयंती और हिंदी सम्मेलन लाहौर मनाया जा सकेगा। मन है कि 5 साल बाद लाहौर मिले, 5 नहीं होगा 7 हो जाएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा।